इनके लब रंगी मिठाबल के जिसने। एक सवाल है लखनऊ से, और इसमें साहिल के नाम में इसलिए नहीं ले रहा बाज में, क्योंकि लोग जानते हैं कि जो लोग मना करते हैं नाम लेने से तो फिर इसलिए उनके नाम की वीडियो ठीक नहीं रहती। फातिया जो है वो बग़ैर वजू के दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो इसके लिए शायद मैंने पहले भी वीडियो बना दी है कि फातिहा यानी जिसको न्यास फातिहा करना बोलते हैं इसको बग़ैर वजू के भी दे सकते हैं, यानी आदमी का पाक होना ज़रूरी है। और आदमी का पाक होना क्योंकि कुरान पाक को ज़ुबान से पढ़ना है तो ज़ुबान से पढ़ने के लिए वज़ू शर्त भी नहीं होता, लेकिन अगर इसमें वज़ू कर लेगा तो हर्ज नहीं है, बेहतर है सवाब पाएगा कि वज़ू कर कर फातिहा दी जाए। तो इसलिए अगर बग़ैर वज़ू भी कोई कुरान पाक की सूरत पढ़ता है और इसाले सवाब करेगा तो इस सूरत में भी न्याज जो है ना वो मानी जाएगी। दूसरी इसकी वजह यह है कि अगर किसी के वहाँ फातिहा देनी है, किसी शख्स को दिलवानी है, वो तकाजा करता है कि भाई आपका वज़ू नहीं वज़ू कर लो, तो फिर ऐसी सूरत में उससे उलझना बहस करना बेकार है, क्योंकि आवाम के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको फसाद से बचने के लिए इग्नोर कर देना चाहिए। तो इसीलिए लोग अगर इसके ऊपर तंज करेंगे, बातें बनाएंगे और लोगों को मसला मालूम नहीं है, एतराज़ करेंगे, तो फिर उसमें वज़ू भी कर लेना चाहिए। इससे लोगों की तरगीब भी हो जाएगी और उनको बता भी देना चाहिए कि भाई वज़ू कर लेना बेहतर है, लेकिन नहीं भी करेंगे तो कुरान मुँह से पढ़ा जाएगा तो उसमें वज़ू की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सही है कि अगर कुरान पढ़ा जाए बावज़ू हो आदमी तो अच्छी बात है, रहमत का वहाँ पे नुज़ूल होता है और वज़ू के अलग जो है ना उसको फजीलतें हासिल होंगी तो अच्छी बात है, वज़ू कर लेना चाहिए, लेकिन बग़ैर वज़ू फातिहा हो जाती है। तो इस तरीके से कॉमन सेंस से उसको जो है ना समझाएं ताकि उसके दिमाग में मसला भी आ जाए, वज़ू की फजीलत भी हो। अब इसमें बाज़ को देखा जाता है कि वो दोनों तरफ की ज़िद पर अड़ जाते हैं कि वज़ू ज़रूरी नहीं होता, बग़ैर वज़ू फातिहा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि वज़ू की जो है ना इंपॉर्टेंस फातिहा के वक्त में थोड़ी ख़त्म हो जाती है, जबकि वज़ू तो वैसे भी अच्छी चीज़ है अगर बंदा सवाब की नीयत से करे। तो इसे मसलों पे कि जहाँ जो चीज़ ज़रूरी नहीं है लेकिन जिसका कर लेने में सवाब भी होता है तो वहाँ उसको नेगेटिव के साथ नहीं दिखाना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है तो ना करा जाए, बल्कि ज़रूरी ना होने के बाद भी उसको कर लिया जाए क्योंकि करने पे फिर भी सवाब होता है। तो ऐसी सूरत में जो है ना वज़ू के बग़ैर फातिहा हो जाएगी, लेकिन इस पर बहस करना बेकार है। वज़ू का तकाजा होता है तो कर लेना चाहिए, ख़ुद भी तरगीब के लिए करना चाहिए, दूसरों को भी तरगीब दिलानी चाहिए, बच्चों को भी अगर फातिहा वगैरह दिलाने के सिखाते हैं या किस तरह से इसाले सवाब करते हैं सिखाते हैं तो उनको भी पहले यही सिखाएं कि साफ़ कपड़े या सफाई का ख्याल रखें और वज़ू करें, उसके बाद जो है ना मसल्ले पर बैठकर नियाज देना सीखे। तो इससे वज़ू की जो है ना अहमियत बच्चों के जहन में आएगी कि वज़ू इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए जो है ना वज़ू किया जाता है, तो इससे वज़ू वो लोग सीखेंगे भी। तो ये सब है कि बग़ैर वज़ू भी देंगे, अगर खुद अपने घर में हो तो बग़ैर वज़ू इसाले सवाब करना चाहे कर दें, लेकिन कहीं जाना हो किसी को नेकी की दावत देनी हो तो वहाँ पहले ख़ुद उसको अमल करके दिखाया जाएगा बताया जाएगा तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। तो ऐसे मौके पर हिकमत के तहत जहाँ ज़रूरी हो वहाँ वज़ू कर लेना चाहिए लोगों की तरगीब के लिए। पुरानी